मीनाक्षी सिंह, आप सभी का मेरे चैनल डॉक्टर मीनाक्षी होम्योपैथिक कंसल्टेंट पे बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ एक्जिमा के बारे में। एक्जिमा क्या होता है, क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे, किस वजह से एक्जिमा होता है और इससे बचाव के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, और साथ ही साथ हम बात करेंगे इसके कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में भी। तो अपना वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो इसको सब्सक्राइब अवश्य कर लें और साथ ही साथ बेल आइकॉन बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि जब मेरा अगला वीडियो मैं अपलोड करूँ तो उसका इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि एक्जिमा क्या है। एक्जिमा जो है वो स्किन की एक डिज़ीज़ है, जिसमें जो स्किन है उसमें स्वेलिंग हो जाएगी, स्वेलिंग के साथ साथ उसमें ईचिंग होगा, स्किन जो होगी वो पपड़ीदार हो सकती है, उसमें दरारें पड़ सकती हैं, खुश्क होगी, और इसके साथ ही साथ किसी किसी केस में फफोले भी देखने को मिलते हैं। कुछ खाद्य पदार्थ जैसे कि नट्स हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, ये इसको बढ़ाने का काम करते हैं। साथ ही साथ इन्वायरमेंटल ट्रिगर में धुआं है, पराग है, और साबुन जो कि हार्ड साबुन होते हैं जिनमें ज़्यादा केमिकल्स होते हैं, या तो सुगंधित पाउडर, ये सब भी इसको बढ़ाने का काम करते हैं। आगे हम जानेंगे कि क्या क्या कारण हो सकता है एक्जिमा का। यह इन्फेक्शन बहुत तेज़ी से फैलता है, यह आपके ऑटो इम्यून डिजीज़ के कारण होता है, जिसमें कि आपका जो इम्यून सिस्टम है उसमें बिना किसी कारण के इम्यून सिस्टम आपका ओवर एक्टिवेट हो जाता है। इसके अलावा कुछ अन्य कारण जैसे कि एलर्जी है, या फिर जेनेटिक कॉज मीन्स कि आपकी फैमिली हिस्ट्री में है इस तरह की कंडीशन, और या स्किन इन्फेक्शन है, ये भी एक कारण हो सकता है। अगर आप ठंडे व खुश्क मौसम में रह रहे हैं या ठंडा खुश्क मौसम है, तो उसमें भी एक्जिमा हो सकता है। ज़्यादा देर नमी के संपर्क में रहते हैं तो नमी की वजह से भी ऐसा हो सकता है। और इसके अलावा अगर आप टेंशन ज़्यादा लेते हैं तो आपकी प्रॉब्लम बढ़ सकती है, और अगर आप क्रोनिक स्मोकर हैं तो भी आपको एक्जिमा की कंप्लेंट हो सकती है। तो ये तो इसके कुछ मुख्य कारण हैं। अब हम बात करेंगे कि इसमें क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। इसके मेन सिम्टम्स हैं ईचिंग, मीन्स की खुजली बहुत ज़्यादा होगी, असहनीय होगी, स्किन जो होगी वो ड्राई खुश्क होगी, स्किन पे सूजन भी देखने को मिलेगा, और स्किन जो है खुरदुरी हो जाती है और स्केली होती है। एक्जिमा एकदम से बढ़ेगा, एकदम से कम हो जाएगा, फिर एकदम से अचानक से फिर बढ़ जाता है। स्किन पर ग्रे या रेड पैचेस भी हो सकते हैं। खुजलाने पर डिस्चार्ज निकलेगा, चाहे ब्लड हो चाहे वाटरी हो। अगर जो डिस्चार्ज है वो येलो कलर का होगा तो इसका मतलब है कि जो इन्फेक्शन है वो आपकी बॉडी में बढ़ रहा है, तो इसके लिए आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत होगी। स्किन जो होगी मोटी होगी और साथ ही साथ पपड़ीदार भी हो सकती है। अब हम जानेंगे कि बॉडी के किस पार्ट पर एक्जिमा ज़्यादा अफेक्ट करता है, किस पार्ट पे ज़्यादा होता है। इसमें सबसे पहला है हाथ पर, नेक्स्ट पैर पर, हाथ के कोहनी के अंदर के पोर्शन पर और घुटने के पीछे हो सकता है, साथ ही साथ में पेट पर भी पाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रिवेंशन कि कैसे इससे हम बच सकते हैं। आप अपनी जीवन शैली में चेंजेस करके इससे बचाव कर सकते हैं। तनाव कम लें, नींद पूरी करें, सादा खाना खाएं, पानी ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में पिएं, कपड़े हमेशा कॉटन के यूज़ करें, टाइट क्लॉथ्स ना पहने, साथ ही साथ नमी से बचें, गीले कपड़े ना यूज़ करें, और कठोर यानी हार्ड साबुन जिसमें ज़्यादा केमिकल का यूज़ होता है उसको ना यूज़ करें। तो इस तरह से इन चीज़ों को ध्यान में रख के आप इनसे बचाव कर सकते हैं अपना। नेक्स्ट हम जानेंगे कि कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो कि इसमें बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं। तो इसमें सबसे पहली मेडिसिन है ग्रेफाइटिस, ग्रेफाइटिस पेंटार्कन, इसके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। ग्रेफाइटिस को आपको दो दो टैबलेट यूज़ करनी है, दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम। अगली मेडिसिन जो कि है पेट्रोलियम, पेट्रोलियम ड्राई स्किन के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है, ड्राई स्किन है, साथ में ईचिंग है, एक्जिमा की कंडीशन है, तो इसके लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये मेडिसिन इसके लिए बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो इस मेडिसिन की दो दो बूंद आपको दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम यूज़ करना है। अगली मेडिसिन जो कि एक पेटेंट है R23, R23 हर तरह के
एक्जिमा के लिए बेस्ट है, चाहे वो ड्राई एक्जिमा हो वेट एक्जिमा हो, दोनों में बहुत ही अच्छा वर्क करती है। इस मेडिसिन की आपको 10-10 बूंद लेनी है, 10 बूंद सुबह 10 बूंद शाम, दिन में 2 बार 1/4 कप वाटर में डालकर लेना है। इस तरह से अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है एक्जिमा की, तो इस पेटेंट से आपको बहुत जल्दी रिलीफ मिलेगा। इन तीनों मेडिसिन को आप साथ में यूज़ करें तो आपका जो एक्जिमा की कंप्लेन है धीरे धीरे आप देखेंगे कि कम होने लग जाएगी, आपको इससे बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो आशा करती हूँ कि आपको इस वीडियो में सब कुछ समझ में आ गया होगा कि एक्जिमा क्या है, किस तरह से होता है, या क्या क्या मेडिसिंस हैं, प्रिवेंशन के लिए क्या करना है। फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगी। अगर किसी अदर डिजीज़ के रिगार्डिंग आपको मुझसे कंसल्ट करना है तो आप मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा लिंक दिया हुआ है, उस पर जा करके। आशा करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही साथ अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, बाय बाय।